Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching. उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लूट, डकैती, हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना बिछवा का है, जहां गांव करीमगंज निवासी रक्षापाल का 26 वर्षीय पुत्र सचिन आगरा जा रहा था। जब वह मैनपुरी रेलवे स्टेशन पहुंचा ही था तो अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े उसको अगवा कर लिया। परिजनों का कहना है कि इसकी भी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 3 बजे सवेरे के टाइम पे 3:15 बजे सचिन ने खुद फोन करो तो चौप जा रहे हो, तो सचिन ने जब फोन करो तो जब बताई कि देखो चाचा भैया हमें मतलब यहीं अरे कहीं ठेका है नव करीमगंज खुले हुए, वो बाकी इस जूनियर स्कूल के आगे ठेका था कि भाई हूँ डाल दो उसने मतलब किसी का नाम भी लिया उन्होंने, नाम किसी का नहीं लिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जाँच की जा रही है। गांव करीमगंज पटा थाना बिछवा में वहाँ सचिन शर्मा नाम का जो लड़का सुबह निकला था जो है आगरा जाने के लिए, और रेलवे स्टेशन मैनपुरी से जो है उसने फ़ोन किया था घर वालों को कि 3 लोगों ने उसको अगवा कर लिया है, और वो लगातार घर वालों से फ़ोन से बात भी कर रहा था। तो ये थोड़ा शुरुआत में संदेह लग रहा था कि इसका अपहरण हुआ कि नहीं हुआ है। रात में उसने सुबह 4 बजे फ़ोन किया घर वालों को कि मुझे वो लोग गाँव के बाहर मेरे पैर बांध के छोड़ गए हैं। गांव वाले घर वाले वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जाकर उसको फिर अस्पताल लेके आए, जिला अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीत कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जहां सचिन की मौत से परिवार वाले सदमे में हैं, वहीं पुलिस बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। अब देखना ये होगा कि सचिन की मौत से पर्दा कब तक उठ पाएगा। मैनपुरी से एक्सपोज इंडिया के लिए आशीष सक्सेना की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।